हेलो एवरीवन, आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नो प्रशांत फैमिली पे। और आज की वीडियो है ओप्पो F15 का एक और अपडेट आ चुका है, जो मार्च में एक अपडेट आया था, लेकिन आज एक और अपडेट आ गया जो कि मॉर्निंग में आया सवेरे। तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि ये अपडेट क्या है और आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। और जल्दी वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कलर OS 7 का ट्रायल वर्जन कैसे ले सकते हैं, और साथ ही जो कलर OS 7 का है वो कब तक आएगा, एक वीडियो हमने इस पर बना के रखी है, जाके चैनल पर चेक कर लीजिए। लेकिन ये जो वीडियो रहेगी, अगली वीडियो आएगी उसमें आपको कन्फर्म पता चल जाएगा जो कलर OS 7 है उसका आप ट्रायल वर्जन कैसे ले सकते हैं और कैसे उसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कलर OS 6.1 का एक नया अपडेट आया है, जो अपडेट ये है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सिक्योरिटी अपडेट है अप्रैल का। और मैं इसमें बताऊंगा जो अप्रैल का सिक्योरिटी अपडेट है आपको इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस हमेशा देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो बात करते हैं इस अपडेट की। ये अपडेट जो आपको देखने के लिए मिलता है, ये अपडेट अप्रैल को जो है अप्रैल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट है। अप्लाइज द अप्रैल 2020 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू इन्हेंस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर फोन सिस्टम। तो ये एक सिक्योरिटी अपडेट है, और इस अपडेट में हमको दो तीन चीज़ें और नई नई देखने के लिए मिलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है, जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है। तो और मैं बताऊंगा अपडेट में आपको क्या, जो अपडेट का दोस्तों बिल्ड नंबर है वो CPH, आप जैसा कि ये देख सकते हैं, जो अपडेट का बिल्ड नंबर है वो CPH201EX.11/A.31, ये बिल्ड नंबर है इसका। और जो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है अपडेट लॉग में, जो आपको देखने के लिए मिलता है वो कुछ ये देखने के लिए मिलता है कि इसमें दिया गया सिक्योरिटी रीजंस जो अपडेट दिए गए हैं, कि अप्रैल का जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको कुछ सिक्योरिटी जो रहेगी वो आपकी थोड़ी और ऐड हो जाएगी। और बात करते हैं सिस्टम की, जो सिस्टम का अपडेट इसमें दिया गया है, वो सिस्टम का अपडेट ये है कि UI ऑप्टिमाइजेशन फॉर सिस्टम ऐप्स, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, तो जो आपके सिस्टम की UI रहेगी वो अपडेट हो जाएगी। कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो सिस्टम की UI रहेगी वो थोड़ी बहुत हो सकता है कि और स्मूथ चलने लगे और बेहतर आपको देखने के लिए मिल सकती है। और वहीं दूसरे अपडेट की बात करते हैं, जो ये दिया है कि फिक्स्ड एन इशू वेयर सर्टेन सिस्टम सेटिंग्स वुड नॉट शोन अप इन सर्च रिजल्ट्स। तो ये जो है दूसरा अपडेट जो दिया गया है सिस्टम को लेकर, वो ये अपडेट है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा, ये आप जैसा कि देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आता था कि बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे हम मान लीजिए भी स्वाइप अप करके आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं सर्च बार में, जैसे कि मान लीजिए मैंने सर्च कर दिया, आप मान लीजिए सेटिंग सर्च करेंगे तो ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे बार ऐसा होता था कि कुछ सर्च करने के बाद आपको कुछ ओपन नहीं होता था, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था कि जो सिस्टम की सेटिंग सर्च करते थे, जो आप स्वाइप डाउन करके सर्च बार में जाते हैं और वहाँ पे कुछ सर्च करके डायरेक्टली जा सकते हैं, वो नहीं आता था। तो उसको फिक्स कर दिया गया है, अभी आपका जो वो रहेगा थोड़ा सा स्मूथ चलेगा, और जो सिस्टम की सेटिंग रहेगी वो आपको सर्च रिजल्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। और अप्रैल के 2020 के सिक्योरिटी पैच के अपडेट के साथ में तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अभी दूसरा हफ्ता, आज समझ लीजिए दो हफ्ते पूरे हुए हैं अप्रैल आके, और इसमें अपडेट आ गया। अमूमन देखा जाता है कि जो सिक्योरिटी अपडेट होता है ओप्पो की तरफ से वो थर्ड वीक में आता है, लेकिन सेकेंड वीक में ही आ गया, बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा। और जिनको दोस्तों नहीं मिला है, वो जाके कलर OS 6 की एक ऑफिशियल कलर OS की वेबसाइट पे से जाके डाउनलोड लिंक होगा, डाउनलोड करके आप अपने उसमें इंस्टॉल कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यही है अप्रैल 2020 का कुछ अपडेट ओप्पो और कलर OS 6 की तरफ से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो आपको पता ही है क्या करना है। और अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव यार तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों ध्यान से बताइए, चैनल वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और साथ ही मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में कभी। और तब तक के लिए दोस्तों कीप स्माइलिंग ऑलवेज, जय हिंद, वंदे मातरम।